गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि आज आप लोगों के अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमी की क्लास है और इकोनॉमी में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, क्षेत्र से संबंध यदि हम कह सकते हैं कि जहां पर आर्थिक गतिविधियां समाज में पाई जाती हैं, जिस प्रकार से भी वस्तुओं का उत्पादन होता है और उत्पादन के आधार पर उनको कई, अगर कहा जाए, समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, वही वर्गीकृत किए गए समूहों को ही क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र को हम कई प्रकार से समझ सकते हैं। उनमें पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, अब हम प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उनको हम प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जिन वस्तुओं को निर्मित किया जाता है उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इनके आधार की बात करते हैं कि उनमें आते क्या क्या हैं, या अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद उनको लगाया कैसे जाता है, तो वो स्वनिर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? स्वनिर्मित। अब जैसे अभी हम बात करें कृषि की, इसमें आप क्या करते हैं? खुद से ही कार्यों को करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो मजदूरों को लगा करके अपना कार्य करवाते हैं, लेकिन यह स्वनिर्मित ही है ना, यानी कि स्वयं से किए गए कार्यों द्वारा ही है। डेरी, ठीक है, डेरी क्या है? डेरी भी उसी प्रकार का है। डेरी भी हमारा क्या है? उसी प्रकार का है। उसके बाद अगला है वन, मत्स्य दोनों हम कह सकते हैं, या मत्स्यान भी कह सकते हैं, कई सारी चीजों में हम कहते हैं, जो भी कर ले, मत्स्य कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, मछली कहते हैं। तो ये ऐसे हैं, ये ऐसे उत्पादन हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब इन्हीं को हम कह सकते हैं कि जैसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र कह सकते हैं कि नहीं? आखिर ये कृषि संसाधनों से ही तो उत्पादित हो रहा है, तो हम इनको कृषि एवं सहायक क्षेत्र के अंतर्गत रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें उसने जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यह
हिस्सेदारी वित्त वर्ष में कितना करती है, वित्त वर्ष में कितना करती है। तो हम 2020-21 में देखते हैं इसकी हिस्सेदारी 2020 से 21 के अंतर्गत जो इसकी हिस्सेदारी रही वह 20.19% रही, 20.19% रही। अब चलिए अब हम बात करते हैं किसके, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अब प्राथमिक क्षेत्र को जैसे अभी ओरली हम ऐसे समझ लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके सामान बनाए जाते हैं या सामग्री बनाई जाती है, ठीक है, या हम कहें स्वनिर्मित तो होती है, या अगर उसके उत्पाद की बात करते हैं तो कृषि डेयरी वन मत्स्य एवं कृषि एवं सहायक क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र को रखा जाता है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार 20.19% है जो कि हिस्सेदारी रही। अब हम बात करते हैं किसके, द्वितीय क्षेत्र पर। ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया हमारा, ये हमारा है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। अब जैसे ये हमारा द्वितीय क्षेत्र है यानी कि सेकेंडरी सिस्टम, ठीक है, यहां ऐसे गतिविधियों को स्थान दिया जाता है जो जो अगर कहा जाए या जिनके अंतर्गत उत्पादों के विनिर्माण विनिर्माण, ठीक है, या अन्य उत्पादों में परिवर्तन, या अन्य उत्पादों में परिवर्तन, या हम कह सकते हैं जैसे परिवर्तन कैसे किया जाता है। अभी मान लो जूट हम उगाए, उससे बोरा बनाया गया, ठीक है, या किसी प्रकार का अन्य उत्पाद किया गया, तो उसको विनिर्माण किया गया कि नहीं, तो कृषि के ही माध्यम से किया जा रहा है, तब भी हम इसी में ही रखेंगे इसको। तो आइए इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत उन वस्तुओं का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से नहीं होता, लेकिन यहां प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में यह प्रकृति से बिल्कुल नहीं होता, प्रकृति से अलग होता है, प्रकृति से नहीं होता, बल्कि वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, अर्थात बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है इनका, बनाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम बात करते हैं उदाहरण स्वरूप कि जैसे कार्यशाला कोई फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जाएगा, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड हो करके अर्थात बन करके वह शुद्ध माल के रूप में उत्पादित होकर के बाहर आता है जो मार्केट में सर्वाइव करता है, यानी कि मिश्रण करता है। तो ऐसे में उदाहरण स्वरूप हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं इसमें ये प्राकृतिक प्राकृतिक उत्पाद पर निर्भर नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता है, यानी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब उदाहरण में हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत आते क्या क्या हैं, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल में हम क्या पाते हैं, कपास, कपास, कपास उत्पादन पेड़ों द्वारा किया जाता है, ठीक है, और पेड़ों से उत्पादित करके कंपनी में जाएगा और उस कंपनी में मैन्युफैक्चर्ड हो करके सूत काटने और कपड़े बनाने में प्रयोग होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, सूत काटना, सूत काटना तथा कपड़े बनाना, कपड़े बनाना, ठीक है। अगला ये हो गया। अब इसके संदर्भ की हम बात कर लेते हैं, जैसे संदर्भ क्षेत्र या प्रकार जो कि उद्योगों से जुड़ा हुआ पाया गया। अभी आपने देखा कि सूती वस्त्र या कपड़े बनाए जाते हैं किससे, कपास से, कपास प्राप्त कहाँ होता है, पेड़ों से,
तो यह प्रकृति पर पूर्ण तरह से निर्भर है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, किसी कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो अब इसमें हम औद्योगिक क्षेत्र को, औद्योगिक सेक्टर को, तो औद्योगिक सेक्टर का जो हमारा क्षेत्र वो क्या है, ग्रेटर नोएडा है, पानीपत है, सोनीपत है, करनाल है, ये सबके जो एरिया है ये क्या है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, गुड़गावा है, और उसी अभी नाम परिवर्तित करके बुद्ध नगर कर दिया गया है, तो उसको भी हम उसी सेक्टर के अंतर्गत रख लेते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को हम किनके अंतर्गत रखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, या औद्योगिक क्षेत्र हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। यहां तक आप सभी के समझ में आ गया? अब इसके आगे हम चलते हैं। जैसे अब हम इसके भी जीडीपी की बात कर लेते हैं, जीडीपी कि इसका जीडीपी में योगदान कितना होता है, तो जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष, जैसे यहां भी 20-21 देखा था हम लोगों ने, तो यहां भी हम 20 और 21 देख लेते हैं, ठीक है। यह हिस्सेदारी जो रही वह 25.92% है, कितना है, 92%। सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी किसी की अगर होती है तो वह होती है इस्पात, लौह इस्पात की, 49%। उससे कम ही जो है किसी की भागीदारी हो सकती है, कृषि की भी भागीदारी बेहतर होती है, लेकिन हर क्षेत्रों में अलग अलग होती है, एक जैसा नहीं होता। और इसका जो क्षेत्र है वह नामित क्षेत्र में के अंतर्गत आ जाता है लौह इस्पात का। तो यह हम इसको एक एग्जाम्स के दृष्टि से अपने मन में रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तृतीय क्षेत्र की, किसकी हम बात कर लेते हैं, तृतीय क्षेत्र की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब तृतीय क्षेत्र में, जैसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत उन गतिविधियों को किया जाता है जो वस्तुओं का निर्माण तो नहीं करती हैं, लेकिन प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का कार्य अवश्य करती हैं, ठीक है। ये वस्तुओं का निर्माण निर्माण नहीं करती, नहीं करती हैं, ठीक है। यह प्राथमिक प्लस द्वितीयक, ठीक है, इनमें सेवा क्षेत्र प्रदान करने का कार्य करती है, इसीलिए इन्हें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भी रखा जाता है। किसके अंतर्गत, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम बात करते हैं, इनमें ऐसे होते हैं कि जिन व्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत, वो है परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार, इन दोनों को शामिल किया जाता है, किसको, परिवहन एवं संचार को। तो ऐसे क्षेत्र जो सेवाओं का सृजन करते हो, सेवाओं का सृजन करते हो, तो उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। ये किसी भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से ये साथ देने का कार्य करती है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जिनको हम रखते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जिनको हम रखते हैं वो है परिवहन, संचार, परिवहन, ठीक है, बीमा बैंकिंग,
बीमा, बैंकिंग, ठीक है, शिक्षा आदि, शिक्षा ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में कौन आया? ये वस्तुओं का निर्माण नहीं करती हैं, प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करती हैं, इसी वजह से इन्हें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें परिवहन एवं संचार, ठीक है, तो इसमें संचार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, इनमें ये सारे आते हैं, ठीक है। अब जैसे इनके अगर GDP की हम बात करते हैं, GDP में इनका योगदान कितना होता है, इनका योगदान कितना होता है, तो वित्त वर्ष 2020-21 के आधार पर 53.89% का योगदान इनका रहा, ठीक है। तो इसके बाद फिर चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, ये दोनों आते हैं। चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत हम अनुसंधान की बात करते हैं, ठीक है, या पुस्तकालय विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, ये आते हैं। चतुर्थ सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर या चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, जैसे इसमें पुस्तकालय, पुस्तकालय, अनुसंधान, अनुसंधान, शिक्षा, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ये आते हैं, ठीक है। तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, पांचवा क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, इसमें आते हैं विश्वविद्यालय, मीडिया, विश्वविद्यालय, मीडिया, मीडिया, विज्ञान, विज्ञान या गैर लाभकारी संस्था, गैर लाभकारी, लाभकारी संस्था, ठीक है। तो ये पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है अर्थव्यवस्था की विशेषता, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, ठीक है। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़ना या सब्सक्राइब करना ना भूलें।